नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका राजस्थान एग्जाम मंत्रा के एक और नए वीडियो के अंदर। और दो तीन दिनों से जो है वो जूनियर अकाउंटेंट का बीच में वीडियो नहीं मिला आपको, क्योंकि हम ASO के वीडियो बना रहे थे, क्योंकि जो ASO के लिए हमारे जो राम सर है वो खुद गवर्नमेंट टीचर है और उन्हें गवर्नमेंट टीचर क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो उन्हें थोड़ा सा क्या है कि समय का अभाव रहता है। लेकिन सैटरडे संडे को आपको मिलती रहेगी क्लासें, बाकी अपनी जूनियर अकाउंटेंट की क्लासेस चल रही है। और दो टॉपिक अपने दो जो बुके हैं अपने अन अकेडमी पर भी चल रही है, तो आपने अभी तक अगर उन वीडियो को नहीं देखा है और आप जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर रूप से नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्रत्येक वीडियो के नीचे, अन अकेडमी ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर आप जो है हमारे GF&R के और ऑडिट के वीडियो वहाँ पर देख सकते हैं। अब शुरू करते हैं अपन जूनियर अकाउंटेंट की आज की क्लास। लास्ट वीडियो में हमने जितने भी नियम पढ़े थे उससे आगे बढ़ेंगे और बचे हुए सभी नियमों का जो है अपन अध्ययन बारी बारी से और प्रत्येक टॉपिक प्रत्येक नियम को अच्छे से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, इसके अलावा आपसे एक निवेदन यह है कि बहुत सारे लोग तो अभी भी जो है थोड़े से कन्फ्यूजन में है कि वास्तव में रियल में यानी उनको खुद पर विश्वास नहीं हो रहा है, और क्या कारण है नहीं होने का ये मेरे को पता नहीं है, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा है उन्हें कि जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती आएगी। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि गलत न्यूज़ बता रहे हैं और केवल सब्सक्राइब व्यू के लिए कर रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप सब लोगों से निवेदन है कि आप जितने लोग देख रहे हैं उनसे और जो लोग इस वीडियो को कभी भी देखेंगे या आपके कोई जानकार देख रहे हैं, तो आप उन्हें ये कहिए कि आपको YouTube से कोई मतलब नहीं है, आपको मेरे से कोई मतलब नहीं है, राजस्थान एग्जाम मंत्रा से कोई मतलब नहीं है। आप हमारी न्यूज़ को चाहे फेक मान लें, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे वीडियो आप देखें या ना देखें ये आपका व्यक्तिगत डिसीजन रहेगा, लेकिन भर्ती आपकी जो है वो निश्चित तौर पे आने वाली है। तो आप अपनी चाहे बुक से प्रिपरेशन कीजिए या कहीं से भी, जैसे भी आपको उचित समझे, आपको उचित लगे, उस हिसाब से प्रिपरेशन जरूर शुरू कर दे, तैयारी करना जरूर शुरू कर दे, ठीक है। यही मेरा आपसे बस आग्रह मान लीजिए है। तो ये मेरा टारगेट ये नहीं कि आप मेरे वीडियो देख के ही तैयारी करें, टारगेट ये है कि अपने जो मन में कोई भी किसी भी प्रकार के अगर कन्फ्यूजन है तो उसे आप जो है वो हटाए और जो है वो तैयारी जरूर शुरू कर दे। आप बुक पढ़ें, आप कहीं पर भी जाके कैसे भी दोस्तों में समूह में ग्रुप में हमारे साथ या जैसे भी आपको उचित लगे तैयारी शुरू कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, ज़्यादा समय न लेते हुए, ज़्यादा वक्त न गवाते हुए। लास्ट वीडियो में हमने जितना अध्ययन कर लिया था हम आज के इस वीडियो में उससे आगे बढ़ने वाले हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो है वो नियम नंबर हमारा जो ये अध्याय चल रहा है वो अध्याय चल रहा है 11। बहुत सारे लोगों ने बीच में कमेंट किया था कि सर अध्याय आपने सीधे ही 10 में आ गए, बीच के जो अध्याय आपने छोड़ दिए, तो ऐसी बात नहीं है, छोड़ा कुछ भी नहीं है। अध्याय तीन के बाद जो है सीधे ही क्या है अध्याय 10 है। ये अध्याय किसके अध्याय है, ये बुक के अध्याय नहीं है, ये सेवा नियम की जो ऑफिशियल बुक होती है उनके अध्याय हैं, जो हमारे सिलेबस में हम उनमें से वही पढ़ेंगे। यानी हमारे सिलेबस के अंदर पहला दूसरा तीसरा अध्याय तो है, उसके बाद चौथा पांचवा और छठा सातवां आठवां अध्याय है नहीं, और सीधा आता है अपना दसवां अध्याय। तो दसवां अध्याय हमने इससे पहले वाले वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लिया है और ग्यारहवां अध्याय अपना चल रहा है, जिसके भी हमने जो है वो कई नियम देख लिए हैं। आज हमने लास्ट वीडियो के अंदर जो जहाँ से छोड़ा था वहीं से शुरुआत करते हैं, और नियम नंबर 93 तक लास्ट वीडियो के अंदर हमने कर लिया था, और अब शुरुआत करते हैं नियम नंबर 94 से। नियम नंबर 94 है सेवा समाप्ति अवकाश। दोस्तों, पहले चौक से लिखते थे और बीच में जो है वो मार्कर से लिखने का अभ्यास छूट गया था, तो हो सकता है सुलेख आपको इतना ज़्यादा सुंदर न लगे। और कई लोगों का यह भी रहता है कि सर अक्सर दिखाई नहीं दे रहे, हम और प्रयास कर रहे हैं कि आपको अक्सर दिखाई दे, लेकिन इसके साथ ही हम भी क्या करेंगे कि इस बोर्ड की ये वीडियो बनने के बाद एक पिक्चर खींच के जो है वो मैं अपने चैनल के कम्युनिकेशन में जो है वो डाल दूंगा, तो वहाँ से आप सीधे पिक्चर डाउनलोड कर लेना, और जहाँ पर भी आपको ये लगे कि कम दिखाई दे रहा है उस पिक्चर के अंदर उस फोटो के अंदर आप उस चीज़ को मैच कर लेना, ठीक है। तो नियम नंबर 94 है सेवा समाप्ति अवकाश, यानी कोई भी राज्य कर्मचारी जिसकी सेवा समाप्त होने वाली है, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, चाहे वो इच्छा सेवानिवृत्ति हो या सेवानिवृत्त वो जैसे एज के बाद होने वाला हो, तो उस कंडीशन में उसको जो है वो अवकाश स्वीकृत किए जाते हैं कुछ, जिन्हें हम सेवा स्वीकृति अवकाश के नाम से या सेवा समाप्ति अवकाश के नाम से जानते हैं। तो देखिए इसके अंदर क्या है, क्या नियम है और कितने अवकाश इसके अंदर अपने को प्राप्त हो सकते हैं। तो देखिए देखिए अधिकतम जो सेवा समाप्ति अवकाश है वो 300
हो सकते हैं, क्योंकि 300 दिनों के ही हम अवकाश जो है वो जमा रखते हैं और उन 300 दिनों का ही हम नगद भुगतान करा सकते हैं, और इन 300 दिन का चाहें तो हम एक साथ जो है वो सेवा समाप्ति अवकाश के रूप में इन्हें उपभोग भी कर सकते हैं। तो अधिकतम मैक्सिमम कितने अवकाश दिए जा सकते हैं, सेवा समाप्ति अवकाश 300 दिन के दिए जा सकते हैं। अब ये अवकाश किन कर्मचारियों को और किन कंडीशन में दिया जाएगा उसकी बात करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि एक अस्थायी कर्मचारी की सेवा समाप्ति या पद समाप्ति पर ये अवकाश दिए जा सकते हैं। एक अस्थायी कर्मचारी है, कोई भी अस्थायी कर्मचारी है और उसका जो उसकी सेवा को जो है वो बीच में ही यानी उसकी उम्र पूर्ण होने से पहले ही, वैसे 60 साल की उम्र में जो है गवर्नमेंट सेवानिवृत्त करती है, लेकिन उससे पहले अर्ध उम्र के अंदर जैसे लगभग 30 35 40 साल की उम्र के अंदर उसको जो है वो उसकी सेवा समाप्त की जाती है, या उस जिस अस्थायी पद पे वो कार्यरत था, जिस अस्थायी पद पे वो कार्य कर रहा था उस पद को समाप्त कर दिया जाता है। तो उस कर्मचारी, क्योंकि वो अस्थायी है तो उसे जो है उसके पद की समाप्ति होने के बाद उसकी सेवा भी समाप्त कर दी जाएगी, तो उस कंडीशन में ये अवकाश जो है वो स्वीकृत किए जा सकते हैं जितने उसके अवकाश खातों में शेष है। मैक्सिमम 300 है, यह नहीं है कि सभी को 300 ही अवकाश मिलेंगे, जितने उसके अवकाश खाते में अवकाश बचे हुए हैं वो ही अवकाश मिलेंगे, लेकिन मैक्सिमम सीमा कितनी हो सकती है इनकी, 300 दिन की हो सकती है। ठीक है, दूसरी बात आती है इसमें सेवानिवृत्ति के बाद पुनर्नियुक्ति किया गया हो। ऐसा कोई कर्मचारी जिसकी, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे आरएस आईएएस होते हैं जिनकी सेवा समाप्ति के बाद, या ऐसे कुछ कर्मचारी जो कुछ विशेष जो है वो उनके अंदर प्रतिभा होती है, कुछ विशेष हुनर होता है, कुछ ऐसे कार्य होते हैं केवल वो ही कर्मचारी कर पाते हैं, तो उनकी सरकार को आवश्यकता होती है, तो वो क्या कर लेते हैं, किसी भी कर्मचारी की सेवा समाप्ति होगी 60 वर्ष की उम्र में, वो जो है सेवा समाप्त हो जाती है, उसकी सेवानिवृत्त हो जाता है, तो उसके बाद उसे पुनर्नियुक्त किया जाता है, तो इस प्रकार के जो है वो अवकाश स्वीकृत किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है अनुबंध के आधार पर नियुक्त कर्मचारी। कोई भी कर्मचारी सरकार ने अनुबंध के आधार पर लिया और उसकी वो अभी सेवा समाप्ति कर रही है और उसके स्थान पर कोई स्थायी कर्मचारी आ जाता है, तो भी इस प्रकार के उस कर्मचारी को अवकाश जो है वो स्वीकृत किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है अस्थायी कर्मचारी जो पद की योग्यता नहीं रखता हो उसके स्थान पर योग्य कर्मचारी उपलब्ध होने पर, गवर्नमेंट ने एक उनके यहाँ एक पद खाली था तो उस पद के कार्य को करवाने के लिए गवर्नमेंट ने एक अस्थायी कर्मचारी को रखा हुआ था, लेकिन वो व्यक्ति जो अस्थायी रूप से कार्य कर रहा था वो उस पद के लिए योग्य नहीं था, लेकिन काम चलाना था इसलिए वो कार्य कर रहा था, लेकिन अब उस पद के लिए योग्यताधारी व्यक्ति उपलब्ध हो गया है, तो उस अस्थायी व्यक्ति को जब उसकी सेवा समाप्त की जाती है तो उसे इस प्रकार के अवकाश जो है वो स्वीकृत किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है अनुशासनिक कार्रवाई करने के सेवा समाप्ति करने पर, यानी ऐसा कोई कर्मचारी जिसने अनुशासनहीनता की हो और उसकी उसके ऊपर उसकी अनुशासनहीनता पर किसी भी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उस कर्मचारी की सेवा को अगर समाप्त किया जा रहा है, उसकी सेवा को जो है वो उसे सेवानिवृत्त किया जा रहा है दंड के रूप में, ठीक है, यानी मान लो कोई कर्मचारी ऐसा है जिसने कुछ ऐसे कार्य किए जो कि अनुशासनहीनता की श्रेणी में आ रहे और बार बार किए, और गवर्नमेंट अब ये चाहती है कि ऐसा ये तो सुधरेगा नहीं, तो वो क्या करेगी, उसकी जो है वो सेवानिवृत्ति सेवा समाप्त कर देगी उसके बीच में, किसके रूप में, दंड के रूप में, तो उस कर्मचारी को भी इस प्रकार के अवकाश जो है वो स्वीकृत किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है अस्थायी कर्मचारी स्वेच्छा से अगर त्याग पत्र दे रहा है, कोई अस्थायी कर्मचारी है और वो जो है अपनी मर्जी से, अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से अगर वो उस जॉब से, उस पद पर कार्य कर रहा है, उस पद से अपनी ऐच्छिक जो है वो सेवानिवृत्ति चाहता है, ठीक है, अपने खुद के व्यक्तिगत निर्णय से अगर वो सेवानिवृत्ति चाहता है तो उसे भी इस प्रकार के अवकाश जो है वो स्वीकृत किए जा सकते हैं। कितने अवकाश स्वीकृत किए जा सकते हैं, उसके अवकाश खाते में जितने भी अवकाश अभी शेष बचेंगे मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 300 हो सकते हैं, लेकिन अब जब वो त्याग पत्र दे रहा है उस टाइम उसके मान लो जितने भी बचे हुए हैं उनका क्या कर देगा, 1/2 जो है वो स्वीकृत किया जा सकता है, यानी जब वो अवकाश जब वो त्याग पत्र दे रहा है तो मान लो उसके खाते में 180 अवकाश थे, ठीक है, तो उसे कितने मिल जाएंगे, 90 मिल जाएंगे, अगर 300 है तो 150 मिल जाएंगे, लेकिन 150 से किसी भी हालत में अधिक नहीं होंगे, वो तो सीधा सा ही गणित है कि मैक्सिमम है ही 300 तो उसके आते कितने हो सकते हैं, 150 हो सकते हैं, तो 150 से ज़्यादा तो होने की कोई गुंजाइश है नहीं, ठीक है, तो इन
कंडीशन के अंदर जो है वो ये सेवानिवृत्ति या सेवा समाप्ति अवकाश जो है वो स्वीकृत किए, सेवा समाप्ति अवकाश कहा जाता है इनको, सेवा समाप्ति अवकाश स्वीकृत किए जा सकते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ ऐसी कंडीशन है कि जिसके अंदर जो है सेवा समाप्ति अवकाश स्वीकृत नहीं किए जा सकते। कौन सी वो कंडीशन है? तो देखिए, निम्न कंडीशन है जिनके अंदर ये अवकाश दे नहीं होंगे। एक तो शिक्षार्थी के तौर पर कोई है, ठीक है, प्रोबेशनर है, तो उसको ये अवकाश नहीं प्राप्त होंगे। अगर किसी कर्मचारी को बर्खास्त किया गया या निष्कासित किया गया है, या किसी कर्मचारी ने राष्ट्रद्रोह यानी राष्ट्र विरोधी कोई कार्य किया है जिसके लिए वो साबित भी हो चुका है राष्ट्र विरोधी कार्य करने के लिए, या उसे किसी भी प्रकार की सजा होती है, तो इस प्रकार के कर्मचारी को यानी शिक्षार्थी को यानी प्रोबेशनर को, बर्खास्त कर्मचारी को, निष्कासित कर्मचारी को और राष्ट्र विरोधी कर्मचारी को ये सेवा समाप्ति अवकाश स्वीकृत नहीं किए जाएंगे। ठीक है, ये हो गया अपना नियम नंबर 94। अब बात करते हैं नेक्स्ट नियम नंबर 94 कह की। नियम नंबर 94 कह है विश्राम काल। ठीक है, विश्राम काल के बारे में हमने इससे पहले भी जाना है। क्या होता है विश्राम काल? ऐसे विभाग जिसके अंदर कुछ समय जो है वो कार्य नहीं किया जाता है और अवकाश के रूप में यानी कर्मचारी होता तो कर्तव्य पर ही है लेकिन वो कार्य नहीं करता है, अपने घर पे होता है या हॉलीडे पर रहता है। जैसे शिक्षा विभाग है, उसके अंदर शीतकालीन अवकाश और ग्रीष्मकालीन अवकाश होता है, वह कर्मचारी तो कर्तव्य पर माना जाता है। न्यायालय है, ठीक है, ऐसे कुछ विभाग है जहां पर जो है वो क्या रहता है, अपना विश्राम काल रहता है। तो नियम नंबर 94 का यह कहता है कि विश्राम काल को कर्तव्य के रूप में माना जाता है, यह अवकाश नहीं है। यानी जो विश्रामकालीन अवकाश है या विश्राम काल का जो टाइम है उसे किसके रूप में माना जाता है? लीव के रूप में नहीं माना जाता है, छुट्टी के रूप में नहीं माना जाता है, उसे कर्तव्य के रूप में माना जाता है। कैसे? क्योंकि जिस विभाग के अंदर ये विश्राम काल के नियम होते हैं उस विभाग में इस टाइम को भी जो है वो कर्तव्य के रूप में गिना जाता है। अगर कोई कर्मचारी इस विश्राम काल का उपभोग नहीं करता है तो उसे जो है ये बचे हुए जो या पूरे के पूरे विश्राम कालीन जो टाइम है वो उसके उपार्जित खातों में जो है जमा कर दिए जाते हैं। इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो नियम 94 का ये कहता है कि विश्राम काल क्या है? छुट्टी नहीं है, कर्तव्य के रूप में गिना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट नियम पर चलते हैं। नियम नंबर नेक्स्ट है नियम नंबर 95। नियम नंबर 95 कहता है कि अस्थायी सेवा में व्यवधान के बिना किसी भी अस्थायी सेवा में कार्यरत कर्मचारी व्यवधान के बिना, व्यवधान का अर्थ यहां पर यह है कि ऐसा कोई भी अस्थायी कर्मचारी जो किसी पद पर कार्य कर रहा है और उस पद पर कार्य करते हुए, यह हो गया व्यवधान से बिना। और व्यवधान क्या होगा? व्यवधान यह होगा कि कोई अस्थायी कर्मचारी कुछ समय के लिए किसी अस्थायी किसी पद पर कार्य कर रहा है और बीच में उसने छोड़ दिया वहां पे, तो वो बीच में क्या आ गया? व्यवधान आ गया। ठीक है, तो कोई भी अस्थायी कर्मचारी या अस्थायी कर्मचारी सेवा में व्यवधान के बिना स्थायी रूप से नियुक्त किए जाने पर उपार्जित अवकाश उसके अवकाश खातों में क्या कर दिए जाते हैं? जमा कर दिए जाते हैं। यानी कोई भी कर्मचारी है जो अस्थायी है और बिना अपनी सेवा में व्यवधान के उसे स्थायी नियुक्त कर दिया जाता है। यानी बहुत सारी ऐसी जॉब आती है जिनके अंदर जो है वो कुछ समय के लिए अस्थायी तौर पर लिया जाता है, ठीक है, लेकिन बाद में जो उसके कार्य से वो कंपनी या वो संस्था प्रसन्न होके जो खुश होके उसे स्थायी रूप से नियुक्त कर देती है। तो ऐसे में उसके जो अस्थायी तौर पे जब उसने कार्य किया था और उस टाइम में उसने जितने भी उपार्जित अवकाश इकट्ठे अपने सेवा अपने अवकाश लेखों में जितने भी उसके अवकाश इकट्ठे हुए थे उन सब अवकाशों को जो है वो स्थायी होने पर उसके अवकाश लेखों में जमा कर दिया जाता है। ठीक है, नियम नंबर 95। नियम नंबर 96 की बात करते हैं। नियम नंबर 96 कहता है कि असाधारण अवकाश यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, असाधारण अवकाश कब लिए जाते हैं, किन कंडीशन में लिए जाते हैं, किनको ये स्वीकार है, किनको ये दे नहीं है, आइए चर्चा करते हैं असाधारण अवकाश के बारे में। असाधारण अवकाश जो है कब दिए जाते हैं, किनको दिए जाते हैं, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। असाधारण अवकाश क्या होता है आप सब जानते हैं, इससे पहले बता दिया गया। इसमें कैन नंबर ये कहता है कि जब अन्य अवकाश दे न हो, यानी जब कर्मचारी के जितने भी बाकी अवकाश हैं वो सारे समाप्त हो गए हैं या कुछ ऐसी परिस्थिति है कि वो अवकाश जो है वो नहीं दिए जा सकते हैं, वो अवकाश
समाप्त हो गए हो या नहीं देने योग्य हो, तब उसे कर्मचारी को असाधारण अवकाश स्वीकृत किए जा सकते हैं। जैसे यानी बाकी सारे अवकाश समाप्त हो चुके हैं कर्मचारी के, कोई भी अवकाश जो शेष नहीं है उसके अवकाश खातों में, तो उसे असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। दो नंबर है इसी के अंदर, एक कह के अंदर ही है। दो नंबर ये कहता है कि असाधारण अवकाश मांगे जाने पर कोई कर्मचारी जिसके खाते में बाकी अवकाश तो शेष है, बाकी अवकाश पड़े भी हैं, लेकिन वो कर्मचारी एक लेटर लिखता है, एक जो है वो पत्र लिखता है, और उस पत्र में मांग करता है कि मेरे को असाधारण अवकाश की आवश्यकता है, मेरे को असाधारण अवकाश दे, या जब वो अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखता है तो उसमें स्पष्ट रूप से लिख देता है कि मुझे इतने दिनों का असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाए। तो पहली कंडीशन तो यह हो गई कि जब कोई अवकाश शेष नहीं हो तब असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जा सकते हैं। कंडीशन नंबर दो ये हो गई कि जब बाकी अवकाश शेष भी हो लेकिन कर्मचारी जो है वो मांग करता है प्रार्थना पत्र में कि मेरे को असाधारण अवकाश चाहिए, तो उसे असाधारण अवकाश जो है वो स्वीकृत किए जा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसी के अंदर क्या हो गया, खै की बात करते हैं, ये छियाण में क्या हो गया, छियाण में खै की बात करते हैं। तो देखिए थोड़ा सा नीचे है, अस्थायी कर्मचारी का असाधारण अवकाश, यानी अस्थायी जो कर्मचारी है उनको असाधारण अवकाश जो किस प्रकार दिया जाएगा। अभी हम बात कर रहे थे स्थायी कर्मचारियों की, अभी बात कर रहे हैं अस्थायी जो कर्मचारी है उनको असाधारण अवकाश जो है वो किस प्रकार दिया जाएगा। तो देखिए कोई भी अस्थायी कर्मचारी है उसको वन टाइम में, आपको अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं पिक्चर डालूंगा साथ में, अगर आप नोट करना चाहे कुछ भी तो नोट कर लीजिएगा, पिक्चर मैं डाल दूंगा कम्युनिकेशन में और लिंक ग्रुप में भी डाल दूंगा, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अस्थायी कर्मचारी है उसे एक टाइम में यानी एक साथ एक टाइम में एक बार में 3 माह से अधिक अवकाश स्वीकृत नहीं किए जा सकते हैं। कोई भी अस्थायी कर्मचारी है उसे एक साथ 3 माह से ज्यादा असाधारण अवकाश स्वीकृत नहीं किए जाएंगे। ठीक है, अब अगर कंडीशन ये बन जाती है कि कोई कर्मचारी अस्थायी है और उसे टीबी रोग हो गया, टीबी या उसे कुष्ठ रोग हो गया और उसका उपचार करवाना चाहता है वो, तो उसे जो है वो 18 माह का, सब लिखा हुआ है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये देखिए 3 माह का, ये 18 माह का, यानी साधारण अवस्था में एक टाइम में 3 माह का ही अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर टीबी का या कुष्ठ रोग का कोई कर्मचारी अगर इलाज कर रहा है, अस्थायी कर्मचारी किसी अस्पताल में अगर उसका इलाज चल रहा है, तो उसे 18 माह का जो है वो असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। अब एक बात नीचे नोट लगा के लिखिए, अगर आपको दिखाई दे रही हो तो, मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ, थोड़ा सा ज्यादा नीचा होना पड़ेगा, बोर्ड इतना ज्यादा बड़ा हो गया। ये देखिए नोट लगा के लिखा हुआ है, नोट लगा के लिखा हुआ है कि प्रोबेशनर को 3 माह के असाधारण अवकाश के लिए सक्षम अधिकारी जो है वो उसके अवकाश स्वीकृत कर सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई प्रोबेशनर जो है उसे कितना असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है और कौन कर सकता है। तो जो सक्षम अधिकारी है वो जो है प्रोबेशनर को 3 माह का असाधारण अवकाश जो है वो स्वीकृत कर सकता है, लेकिन अगर वो 3 माह से ज्यादा का अवकाश की मांग कर रहा है, 3 माह से अधिक के अवकाशों की अगर मांग करता है, तो उसे वित्त विभाग से क्या लेनी पड़ेगी, अनुमति लेनी पड़ेगी। किस टाइम में, प्रोबेशन के टाइम में, प्रोबेशन के टाइम में किसी कर्मचारी को 3 माह तक तो सक्षम अधिकारी अवकाश स्वीकृत कर देगा, नीचे हमने पढ़ लिया, अगर 3 माह से ज्यादा का अवकाश चाहिए तो वित्त विभाग से पहले अनुमति लेनी होगी कि भाई इस कर्मचारी को 3 माह से ज्यादा का अवकाश जो स्वीकृत किया जा रहा है। ठीक है, तो 3 माह से ज्यादा का अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट खै ए की, खै तक हमने पढ़ लिया, खै ए है कि क्षय रोग के उपचार के लिए स्वीकृत असाधारण अवकाश, क्षय यानी टीबी रोग के लिए जो असाधारण अवकाश स्वीकृत किए गए हैं, ठीक है, टीबी रोग के लिए जो असाधारण अवकाश स्वीकृत किए गए हैं किसी भी कर्मचारी को, अस्थायी कर्मचारी को, मान लो एक कर्मचारी है जो क्षय रोग से पीड़ित है और वो उपचार के लिए गया, उसे जो है कुछ असाधारण अवकाश स्वीकृत किए गए, कितने किए जा सकते हैं, 18 माह के किए जा सकते हैं, तो उसे 18 माह के मान लो असाधारण अवकाश स्वीकृत किए गए, लेकिन वो जब उपचार करवा के स्वस्थ होकर वापस पुनः अपना कार्य ग्रहण जो है वो पदभार ग्रहण करता है, वापस आकर स्वस्थ होने के बाद, तो पदभार ग्रहण करने के बाद कुछ समय में उसके अवकाश खातों में कुछ अवकाश उपार्जित अवकाश इकट्ठे होंगे, कुछ अवकाश अर्जित होंगे। तो यह है खै ए कि क्षय रोग के उपचार की स्वीकृति असाधारण अवकाश
असाधारण अवकाश कर्मचारी के पदभार ग्रहण के बाद अर्जित अर्ध वेतन अवकाश से समायोजित कर दिए जाएंगे। यानी वो छह रोग के उपचार के बाद जब भी कर्मचारी आएगा और पदभार ग्रहण करने के बाद वो जितने भी अर्ध वेतन अवकाश अर्जित करेगा उन अर्ध वेतन अवकाश से जो है उन असाधारण अवकाशों को समायोजित कर दिया जाएगा या परिवर्तित कर दिया जाएगा। ये किस कंडीशन में? केवल छह रोग के उपचार के लिए ये कंडीशन लागू होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाएंगे आपके मन में बहुत शंका हो रही होगी। एक बार पूरी बुक हो जाती है फिर अपन जो है इसके सारे क्वेश्चन करेंगे। बहुत क्वेश्चन है अपने पास, तो आपको घबराने की बात नहीं है। वीडियो को लाइक जरूर करते रहिएगा बीच बीच में, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियो को शेयर जरूर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक ये वीडियो जो है वो पहुंच पाए और ज्यादा से ज्यादा लोग इन वीडियो का जो है वो फायदा उठा पाए। चलिए नेक्स्ट नियम की ओर बढ़ते हैं। नोट लगा के एक बात लिखी हुई है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, मोस्ट के अंदर आप इसे नोट कर सकते हैं। क्या बात है कि सुरक्षा सेवा के कर्मचारी हैं, जो आर्मी के कर्मचारी हैं, सुरक्षा सेवा के कर्मचारी वही होते हैं, आर्मी के कोई कर्मचारी है और उनकी पत्नी किसी भी राज्य के अंदर या सेंटर के अंदर कहीं पर भी, अपन अभी राज्य के नियम पढ़ रहे हैं आरएसआर, तो राज्य की बात करते हैं। अगर कोई ऐसा आर्मी का कर्मचारी है उसकी पत्नी भी सेवा के अंदर है, अस्थायी सेवा के अंदर है, तो या स्थायी सेवा के अंदर है, तो उस कर्मचारी की पत्नी को सुरक्षा सेवा के कर्मचारी यानी आर्मी के कर्मचारी की पत्नी को 6 माह का असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाएगा, ताकि वह अपने पारिवारिक जीवन में जो है वो कुछ समय अपने परिवार के साथ बिता सके, अपने पति के साथ बिता सके। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन में पूछा जाता है, पूछा गया भी है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मोस्ट लगा के भी लिखा है। एक सुरक्षा सेवा के अधिकारी की पत्नी को गवर्नमेंट सर्विस करते हुए कितने असाधारण अवकाश स्वीकृत किए जाते हैं? 6 माह के किए जाते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 4 माह, 5 माह, 6 माह या 8 माह। दूसरी तरीके से क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाएगा? दूसरी तरीके से क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाएगा कि एक सुरक्षा सेवा के कर्मचारी की पत्नी को अपने पारिवारिक, अपने परिवार में समय बिताने के लिए कितने असाधारण अवकाश स्वीकृत किए जा सकते हैं? तो 6 माह के किए जा सकते हैं। नेक्स्ट नियम है नियम नंबर 97, अवकाश वेतन। बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, अवकाश वेतन है। अवकाश वेतन के समय क्या राशि मिलती है, क्या वेतन मिलता है, यानी कोई कर्मचारी अगर अवकाश पर है तो भी उसे वेतन मिलता है, तो कितना वेतन, कौन से अवकाश पर कितना वेतन मिलेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आप सब जानते हैं अवकाश वेतन क्या है, बताने की जरूरत नहीं है, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं उपार्जित अवकाश अगर लिया जाता है तो कितना वेतन मिलेगा। उपार्जित अवकाश आपको पता है कि कर्तव्य निर्वहन से ही हमें उपार्जित अवकाश प्राप्त होते हैं, यानी जब हम कर्तव्य का निर्वाह करते हैं, अपनी ड्यूटी करते हैं, तो हमें उपार्जित अवकाश प्राप्त होते हैं। ठीक है, होते हैं, तो कर्तव्य निर्वहन से जब उपार्जित अवकाश प्राप्त होते हैं, तो अगर वो उपार्जित अवकाश लिए जाते हैं तो उसमें जो है हमें वही वेतन मिलता है जो हमने जिस दिन अवकाश लिया था उससे पहले दिन हमें मिलता था। यानी मान लीजिए आपने जो है वो 10 तारीख को अवकाश लिया, तो 9 तारीख को आपको जो भी आपका वेतन मिल रहा था, एक्स्ट्रा वेतन को छोड़ के कोई विशेष वेतन जो है, अगर आपको उस दिन कोई विशेष वेतन दिया जा रहा था, तो उस वो इसमें शामिल नहीं होगा। यानी जो आपके पद के ऊपर जो आपके पद का जो वेतन है, जो लास्ट दिन आपको मिल रहा था, वही उपार्जित अवकाश के समय आपको दे होगा। ठीक है, सीधी बात, नो बकवास। यानी अवकाश, उपार्जित अवकाश के समय आपको कितना वेतन मिलेगा, जितना आप उस अवकाश वाले दिन से पहले दिन ले रहे थे, कोई विशेष वेतन को छोड़कर। दूसरी बात करते हैं अर्ध वेतन अवकाश। अर्ध वेतन अवकाश अथवा आधे अवकाश पर कितना वेतन मिलेगा? अर्ध वेतन के समय यानी उपार्जित अवकाश, जब आप अर्ध वेतन अवकाश लेते हैं या आधे अवकाश लेते हैं, तो जितना आपका उपार्जित अवकाश है, जिस दिन आपने लीव ली है उससे पहले दिन आपका जितना उपार्जित अवकाश का, उसका 1/2 यानी आधा अवकाश मिलेगा। किसका? अर्ध उपार्जित अवकाश का
उपार्जित अवकाश का 1/2 आपको अर्धवेतन के रूप में मिलेगा। यह उपार्जित अवकाश की आधी होगी, परंतु किसी भी कंडीशन में 23,000 रुपए से ज्यादा ये वेतन नहीं होगा। अगर इसमें कुछ भी अपडेट आया तो वो आपको अलग से मैं बता दूंगा। ये पुराने टाइम के लास्ट टाइम के नियम है, तो इसमें अगर कोई अपडेट आया तो जल्दी आपको वो भी एक अलग से वीडियो बना के सारे अपडेट जो है वो एक साथ क्लियर करवा दिए जाएंगे, ठीक है। अब चिकित्सा के आधार पर अगर अवकाश लिया है या अध्ययन के लिए अवकाश लिया है तो इसमें ये 23,000 वाले लिमिट जो है वो लागू नहीं होगी। और इसमें नोट लगा के एक बात लिखी है कि ये नियम जो है वो कब से प्रभावी हुआ है, ये हुआ है 12/9/2008 से। इससे पहले 12/9/2008 से जो ये था मैक्सिमम अर्धवेतन के टाइम 9,500 था, जिसे बढ़ाकर 23,000 कर दिया। और ठीक है, और कब से प्रभावी हुआ है, 1/1/2007 से ये नियम प्रभावी हुआ है। हमने देख लिया उपार्जित अवकाश के समय मूल वेतन जितना है वो मिलेगा, अर्धवेतन अवकाश के समय उपार्जित अवकाश के टाइम जो वेतन मिलता है उससे आधा मिलेगा। अब बात करते हैं रूपांतरित अवकाश के समय, तो रूपांतरित अवकाश के समय जो वेतन दिया जाता है वो कौन सा होता है, जो आपको उपार्जित अवकाश के समय मिलता है ना, वही वेतन आपको रूपांतरित अवकाश के समय मिलेगा। असाधारण अवकाश के टाइम जो है किसी भी प्रकार का वेतन आपको नहीं दिया जाता है, क्योंकि असाधारण अवकाश में कोई भी वेतन दे नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लंबा वीडियो हो रहा है बहुत ज्यादा। नियम 98 नहीं है, 97 के बाद 98 नंबर नियम जो है वो है नहीं, विलोपित है। नियम नंबर 99 है विशेष असमर्थता अवकाश, ठीक है। एक शब्द आया है असमर्थता, पहले इसको समझ लेते हैं फिर इस नियम के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। विशेष असमर्थता अवकाश क्या होता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है और काफ़ी टाइम भी हो गया बोलते हुए, पहले इतना लिखना पड़ता है, तो थोड़ा सा आप अपना प्रेम जो है वो और हमारे साथ शेयर कीजिए लाइक के जरिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सअप, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि पर ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो मेहनत कर रहे हैं उसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है वो पहुँच पाए, ठीक है। अब बात करते हैं असमर्थता क्या होती है। देखिए, कोई कर्मचारी अपने कर्तव्य पे आ रहा है या अपने कर्तव्य पे, जैसे आप जो है वो जूनियर अकाउंटेंट के पोस्ट पे हो और आप अपने ऑफिस में आए और अचानक जो है वो आपकी ऑफिस के अंदर आप कार्य कर रहे हो और ऊपर से पंखा टूट जाता है और पंखा खुल के या टूट के आपके ऊपर गिर गया और आपको जो है वो उसमें चोट लग गई, कुछ गंभीर चोट लग गई जिसके कारण आप असमर्थ हो गए क्या करने में, अपना कार्य करने में। एक तो असमर्थता ये हो गई, या आप जो है वो अपने कार्य पर हो और आपको कार्य के दौरान ही किसी भी प्रकार की चोट लग जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, लेकिन आप कर्तव्य पे हो उस टाइम की बात है और उससे आप जो है वो कार्य करने में असक्षम हो जाते हैं, या आप चुनाव की ड्यूटी में गए हुए हैं और वहाँ पर जो है वो आपका जो है वो आपकी ऐसे स्थान पर आपको चुनाव कराने जो नक्सली इलाका है और वहाँ पर आपको सबके साथ कोई घटना घटित हो जाती है, जिसके कारण भी आप अगर असमर्थ हो जाते हैं अपना कार्य करने में, यानी आपको मान लो गोली लग गई या आपके साथ मार पिटाई हो गई या आपका एक्सीडेंट हो गया, टायर मेरा या आपका, आप ऐसे मत सोच लेना, कोई भी कर्मचारी हो चाहे कुछ भी घटना घटित हो जाती है और उस घटना के कारण गंभीर चोट लग जाती है, तो उस स्थिति में आप क्या हो जाते हो, असमर्थ हो जाते हो अपने कर्तव्य पे आने के लिए। तो उस टाइम उस कर्मचारी को जो है वो असमर्थता अवकाश दिया जाता है। क्या दिया जाता है, विशेष असमर्थता अवकाश। तो विशेष असमर्थता अवकाश किसे दिया जाएगा इसके बारे में चर्चा करते हैं। विशेष असमर्थता अवकाश किसे दिया जाएगा इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए, विशेष असमर्थता अवकाश कर्तव्य पर चोट लगने के कारण असमर्थता अवकाश दिया जाता है, बता दिया। घटना के 3 माह, ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 3 माह के अंदर जो है वो असमर्थता प्रकट होनी चाहिए। अगर मान लो आपको चोट लगी आज और आप 1 साल बाद कह रहे हो कि जी मेरे तो घुटनों में दर्द है या मेरे तो कमर में दर्द है, मेरे तो रीढ़ की हड्डी जो है वो अपने डिस्क हिल गई है मेरी, तो वो मान्य नहीं होगा। घटना के 3 माह में असमर्थता प्रकट होने पर आपको अवकाश स्वीकृत होगा। अवकाश अवधि उतनी होगी जो चिकित्सक द्वारा आवश्यक समझे जाए, यानी डॉक्टर आपको ये कहता है कि 2 महीने चाहिए या कितने चाहिए, वो अवकाश स्वीकृत उतने ही किए जाएंगे। ये अवकाश जो है वो 24 माह से अधिक नहीं होंगे। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विशेष असमर्थता अवकाश कितने स्वीकृत किए जा सकते हैं,
24 माह के किए जा सकते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि असमर्थता कितने टाइम के अंदर प्रकट होनी चाहिए या असमर्थता प्रकट होने का टाइम कितना होता है, तो 3 माह होता है। ठीक है, इसके बाद कुछ समय बाद यानी आप 24 माह का आपको अवकाश अधिकतम मिल सकता है। और आपने जो है वो मान लो आपके घुटनों में दर्द हुआ या घुटने का ऑपरेशन हुआ और आप 6 महीने में स्वस्थ होके आ गए। ठीक है, लेकिन 6 महीने में स्वस्थ हो गए आ गए, 2 साल तक आपने फिर जो है अपना कर्तव्य पूर्ण किया, आप अपनी जॉब कर रहे हो पूरी ईमानदारी और निष्ठा से, लेकिन 2 साल के बाद आपके फिर से घुटनों में उसी घुटने में जो है वो दर्द होना शुरू हो गया और आप एक बार फिर से असमर्थ हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में आपने पहले 6 माह की छुट्टी ली है तब आपको और भी जो है वो अवकाश स्वीकृत किए जा सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम टोटल मिला के कितने हो सकते हैं, 24 माह के हो सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो एक बार अवकाश स्वीकृत करने के बाद अगर भविष्य में वो दोबारा अगर असमर्थता प्रकट होती है तो दोबारा अवकाश भी स्वीकृत किए जा सकते हैं, ये बात भी आप ध्यान रखना। असमर्थता अवकाश की अवधि पेंशन योग्य सेवा में जो है वो जोड़ी जाएगी। ठीक है, अवकाश वेतन उच्च सेवा के अंदर क्या मिलेगा, अगर कोई उच्च सेवा का कर्मचारी है यानी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को छोड़ के सारे उच्च सेवा में आते हैं। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आता है कि उस सेवा में कौन से कर्मचारी आते हैं, तो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को छोड़ के बाकी सारे किसके अंदर आते हैं, उच्च सेवा के अंदर काउंट होते हैं। तो उच्च सेवा के अंदर जो है वो प्रथम 120 दिन का अवकाश वेतन तो नियम 97 के अनुसार दिया जाएगा। अवकाश वेतन की बात कर रहा हूं, विशेष असमर्थता अवकाश में वेतन किस प्रकार मिलेगा, तो विशेष असमर्थता अवकाश में उच्च सेवा के कर्मचारियों यानी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को छोड़ के बाकी कर्मचारियों को 120 दिन का, ये रहा 120 दिन का, तो है उसे किस हिसाब से मिलेगा, नियम 97(1) के अनुसार मिलेगा पूरा अवकाश, जो लास्ट दिन उसे मिल रहा था पूरा वेतन मिलेगा, और बाकी शेष दिनों का जो है उसे किस हिसाब से मिलेगा, अर्ध वेतन मिलेगा यानी आधा वेतन मिलेगा। 120 दिन का तो कितना मिलेगा, जितना उसे जिस दिन वो छुट्टी पर गया था उससे पहले दिन मिल रहा था उतना पूरा मिलेगा। मान लो पहले दिन उसे 25,000 रुपये मिल रहे थे तो 120 दिन तक तो उसे 125 के हिसाब से पैसे मिल जाएंगे, और बाकी शेष दिनों का जो है वो 125,000 के आधे कर लो आप, 12,500 मिलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, अवकाश वेतन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कितना मिलेगा, वो हमने बात कर ली कि उस सेवा के कर्मचारियों को कितना मिलेगा। अब बात करते हैं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को कितना मिलेगा, तो प्रथम 60 दिन का तो मिलेगा नियम 97(1) के अनुसार यानी उपार्जित अवकाश के अनुसार, और बाकी शेष का मिलेगा नियम 97(2) के अनुसार यानी जितना आपको उपार्जित अवकाश के समय मिल रहा था उससे आधा मिलेगा। ठीक है, तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को तो 60 दिन का फुल पेमेंट मिलेगा और उच्च सेवा के कर्मचारियों को 120 दिन का फुल पेमेंट मिलेगा। दोनों बात नोट कर लेना, पूछी जा सकती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, सेवा अवकाश वेतन, शेष अवकाश वेतन हो गया, नियम नंबर 100 है, असमर्थता के कारण क्षतिपूर्ति स्वीकृति होने पर वेतन में कमी कर दी जाएगी। यानी मान लो आप कोई भी कर्मचारी ऑफिस में कार्य कर रहा है और ऊपर से पंखा टूट के गिर गया और उसका सिर फट गया, इतना ज़्यादा नहीं फटा कि वो मर जाए लेकिन गंभीर चोट लग गई सिर में, तो जो विभाग है वो उसकी क्षतिपूर्ति को, उसको जो चोट लगी है उसमें कुछ जो है उसे आर्थिक सहायता कर देती है, क्षतिपूर्ति कर देती है, कुछ पैसे दे देती है ऑपरेशन वगैरह करवाने के लिए। तो जितने भी पैसे उसे दिए जाएंगे वो उसके वेतन से बाद में जो उसे जो ये विशेष असमर्थता अवकाश के टाइम जो वेतन मिलता है, मान लो क्षतिपूर्ति के रूप में उसे 1,00,000 रुपये दिए गए, 1,00,000 रुपये दिए गए। ठीक है, और उसका जो असमर्थता अवकाश का वेतन था वो 1,25,000 रुपये हुआ, तो 1,00,000 तो ये काट लिए जाएंगे और 25,000 उसे दे दिए जाएंगे, ये होता है। ठीक है, ये है नियम नंबर 100, असमर्थता के कारण क्षतिपूर्ति अवकाश पर वेतन में कमी कर ली जाएगी। नेक्स्ट नियम नंबर 101 है, असैनिक कर्मचारियों पर विशेष असमर्थता अवकाश स्वीकृत होते हैं। कुछ ऐसे कर्मचारी होते हैं जो जैसे आर्मी के अंदर होते हैं, जो युद्ध के अंदर या किसी हमले के अंदर जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, किसी के पैर के गोली लग जाती है, किसी के हाथ के लग जाती है, तो वो जो है वो सैनिक कार्यों के लिए तो असमर्थ हो जाते हैं, लेकिन बाकी राज्य सेवा के कर्मचारियों बाकी राज्य सेवा में जो है वो पूर्ण रूप से समर्थ होते हैं, तो उन पर वो विशेष नियम लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नियम नंबर 102 जो है वो कोई मतलब नहीं है उसका। नियम नंबर 103 बहुत ही महत्वपूर्ण, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नियम है, क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है हर बार, प्रसूति अवकाश यानी
प्रसूति अवकाश यानी डिलीवरी अवकाश, ये मान लीजिए महिलाओं के लिए है, ये जो महिला राज्य कर्मचारी है उनके लिए है। अभी बहुत थोड़े दिनों पहले बहुत मीडिया में आ रहा था, राज्य के अंदर तो पहले ही 180 दिन का अवकाश था, केंद्र सरकार ने अभी जो है वो इन्हें 180 दिन कर दिया है। तो जिसकी जो है बीजेपी सरकार ने खूब चुनाव के समय जो है वाहवाही भी ली थी। बाकी राजस्थान में ये पहले से 180 दिन है, तो इसमें कोई ज़्यादा अपडेट हुआ नहीं है। 180 दिन पहले था और 180 दिन अभी है। 180 दिन ये किया गया था 11/10/2008 को, इससे पहले ये 135 दिन था, यानी 11/10/2008 से पहले 135 दिन था, जिसे बढ़ाकर अब 180 दिन कर दिया गया था। कब? 11/10/2008 को कर दिया गया था। ये प्रसूति अवकाश कब दिया जाता है? जब किसी महिला के बच्चा होने वाला होता है तो उसे जो है वो प्रसूति अवकाश दिया जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कितने अवकाश दिए जा सकते हैं, तो 180 दिन के प्रसूति अवकाश दिए जा सकते हैं, यानी 6 महीने के प्रसूति अवकाश स्वीकृत किए जा सकते हैं। अवकाश वेतन देय होगा, यानी महिला अगर प्रसूति अवकाश लेती है तो उसे अवकाश वेतन दिया जाएगा। कौन सा अवकाश वेतन दिया जाएगा? जो उसके अवकाश लेने के पहले दिन उसे मिल रहा था, विशेष वेतन को छोड़कर, यानी नियम 97(1) के अनुसार उसे अवकाश वेतन दिया जाएगा। और ये जो अवकाश लिए जाते हैं, ये प्रसूति अवकाश जो है, इनको किसी भी अवकाश लेखों से कम नहीं किया जाएगा, ठीक है। और इनको जो है एक अलग से इनकी एंट्री की जाएगी कि इस महिला कर्मचारी को इतने दिनों का प्रसूति अवकाश दिया गया है, और ये जो है वो दो बच्चों तक ही जो है वो मान्य है, यानी दो बच्चे जीवित बच्चों तक ही ये अवकाश जो है वो स्वीकृत किए जाएंगे। ये नहीं कि 3-4 बच्चे हैं तो हर बार 6-6 महीने की छुट्टी लेके अपन घर पे बैठ जाए। दो बच्चे, दो जीवित बच्चों तक ही ये जो है वो अवकाश स्वीकृत होंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात इसमें कर लेते हैं, नियम नंबर 103 के की पितृत्व अवकाश, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। पितृत्व अवकाश जो है वो 15 दिन का स्वीकृत हो सकता है, डिलीवरी से 15 दिन पहले से लेकर और डिलीवरी के यानी बच्चा जन्म लेने के 15 दिन पहले से लेकर और 3 माह तक का बच्चा होता है, तब इस टाइम पीरियड के बीच में कभी भी जो है वो एक राज्य कर्मचारी, पुरुष राज्य कर्मचारी उसकी महिला के बच्चा होने पर जो है वो ये 15 दिनों का अवकाश जो है वो ले सकता है। इसमें भी उसे पूरा वेतन मिलेगा और इनको जो है वो अवकाश खातों में से काट कम नहीं किया जाएगा और इसकी भी अलग से जो है वो एंट्री की जाएगी। नेक्स्ट है नियम नंबर 103 है दत्तक ग्रहण अवकाश, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीनों नियम ही बहुत महत्वपूर्ण नियम है। दत्तक ग्रहण अवकाश यानी कोई भी बच्चा अगर गोद लिया जाता है किसी भी राज्य कर्मचारी के या किसी भी राज्य महिला कर्मचारी के, दो जीवित बच्चे हैं नहीं या कोई भी जीवित बच्चा नहीं है या कोई बच्चा है नहीं है, यानी कोई भी महिला राज्य कर्मचारी है उसके कोई बच्चा नहीं है या फिर एक बच्चा है, तो वो एक वर्ष से छोटे बच्चे को विधिक रूप से गोद ले सकती है और उसके लिए उसे जो है वो 180 दिन का यानी 6 माह का अवकाश स्वीकृत हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है कि दत्तक ग्रहण करते टाइम उस दत्तक का या उस बच्चे की उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 1 वर्ष से कम होनी चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है। और कितना अवकाश दिया जा सकता है? 180 दिन का दिया जा सकता है। बाकी नियम वही होंगे जो प्रसूति अवकाश के ऊपर लागू होंगे। पूरा वेतन मिलेगा, कोई भी जो है वो अवकाश खातों से इनको जो है वो काटा नहीं जाएगा और पूर्ण वेतन मिलेगा और इनकी भी अलग से एंट्री की जाएगी। नियम ये कब प्रभावी होता? 7/12/11 से प्रभावित नियम है, ठीक है। तो यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, आप नोट कर लेना। नेक्स्ट नियम 104, प्रसूति अवकाश अन्य अवकाशों के साथ भी स्वीकृत किया जा सकता है, यानी नियम नंबर 104 ये कहता है कि जो प्रसूति अवकाश है वो अन्य अवकाश के साथ समायोजित करके भी स्वीकृत किया जा सकता है। तो इतने नियम हमने 104 तक कर लिए हैं। नेक्स्ट नियम नंबर 105, चिकित्सा अवकाश की सीमा, अगले वीडियो के अंदर करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, अनअकैडमी भी फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों, बहुत टाइम हो गया लगातार बिना पानी पिए बोल रहा हूँ, और बस आप सब लोगों का स्नेह और प्रेम है, यही मोटिवेशन रहता है कि इतना लंबा वीडियो आपके लिए आज बना पाए। धन्यवाद, फिर मुलाकात होगी एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।